हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट अ फ्लैग पोस्ट 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउस सबटेंड एन एंगल हुज टेंजेंट इज 1/6 एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द हाउस द हाइट ऑफ द हाउस इज ओके। तो अपने को हाइट ऑफ द हाउस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका फ्लैग पोस्ट हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फ्लैग पोस्ट हो गया है ना, और ये आपका हाउस हो गया इसके नीचे। टॉप ऑफ द हाउस पर फ्लैग पोस्ट है ये, ठीक है ना। तो ये मैंने मान लिया बी और सी, और ये आपका हो गया ए। क्लियर? तो ए भी आपका फ्लैग पोस्ट हो गया, जो कि बी सी जो हाउस है उसके टॉप पर है। क्लियर? यहां से 70 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से 70 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो फ्लैग पोस्ट है वो जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट कितना दिया है, 1/6। यहां पे आपको क्या दिया, 10 थीटा दिया है, मतलब। तो ये मैंने मान लिया ये हो गया। क्लियर? तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, ये जो एंगल था इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया थीटा वन, और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा टू। क्लियर? और ये कंप्लीट एंगल थीटा मान लिया मैंने। ओके, ये जो पूरा एंगल है ना ये थीटा हो गया डी पॉइंट। क्लियर? एंगल में कोई कंफ्यूजन, बात आ गई समझ में? नाउ इसका जो हाइट है वो कितना दिया, 20 मीटर। ये यहां से लेके यहां तक कितना दिया है बच्चों, 20 मीटर दिया। हाउस का जो हाइट है वो मैंने एच मान लिया, द हाइट ऑफ द हाउस इज एच। ओके, तो नाउ अपने को क्या है, अपने को देखो एक चीज तो गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू है। क्लियर? तो यहां से थीटा वन कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा टू। अगर मैंने दोनों तरफ टेन ले लिया तो टेन थीटा वन इज इक्वल टू टेन ऑफ, ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा टू। और इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे टेन ए माइनस बी का, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन ये कितना हो जाता है, वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। क्लियर? ये आपका टेन थीटा वन आ गया बच्चों, ये क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा वन आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला यार आप ट्राइंगल लो, यहाँ पे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल के अंदर जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस एच अपॉन 70। क्लियर? अब फिर मैंने बोला कि इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर आपका जो टेन थीटा टू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, एच अपॉन 70 आएगा। नाउ थीटा वन और थीटा टू की वैल्यूज आप इस इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा वन, टेन थीटा एंड टेन थीटा टू इन इक्वेशन वन। तो पुट द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा एंड टेन थीटा वन इन इक्वेशन थीटा टू, सॉरी थीटा टू इन इक्वेशन वन। क्लियर? तो यहां से टेन थीटा वन यानी कि 1/6 दिया है इज इक्वल टू, टेन थीटा कितना है बच्चों, टेन थीटा इज 20 प्लस एच अपॉन 70 माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन 70 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 20 + h/70 (h/70) यस और नो? क्लियर? नाउ एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो एलसीएम में 1/6 तो ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा बच्चों 20 + h माइनस का एच अपॉन 70, तो ये हो गया अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा, 70 का स्क्वायर प्लस h इंटू 20 + h बचेगा बच्चों, और अपॉन 70 स्क्वायर। ये 70 से ये वाला 70 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले h से बच्चों ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/6 इज इक्वल टू 20 × 70। ओके, ये 70 ऊपर चला गया, 20 × 70 अपॉन ये हो गया बच्चों 70 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 20h। क्लियर ना? अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 20h, एच स्क्वायर प्लस 20h हो गया, और यहां पे आ जाएगा प्लस का ये क्या है बच्चों, 70 का स्क्वायर और माइनस 20 × 70 × 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, नाउ इसे अब आप सॉल्व करोगे तो एच स्क्वायर प्लस 20h और प्लस 70 तो कॉमन ले लो आप, यहां से 70 कॉमन आ गया आपका, तो यहां पे कितना बचेगा भाई, 70 कॉमन आने के बाद 70 − 120 यानी कि ये क्या, माइनस का 50 बचेगा इज इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर कर लो आप, तो इसके फैक्टर तो कितना, 70 और 50 हो जाएंगे, तो h प्लस 70 हो गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर आपका h माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से h इज इक्वल टू एक तो आ जाएगा 50 मीटर, और बच्चों एक आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस का 70 मीटर। क्या माइनस का 70 मीटर आंसर आ सकता है क्या, तो माइनस का 70 मीटर तो आंसर आएगा नहीं भाई, समझ रहे हो बात को, तो h इक्वल टू 50 मीटर ही फाइनल आंसर रहेगा, तो h इज इक्वल टू 50 मीटर विल बी द हाइट, मतलब माइनस का 70 मीटर हाइट हो सकती है क्या, नहीं ना, तो माइनस का 70 मीटर तो आएगा नहीं, 50 मीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहां से ऑप्शन चेक करो, 50 आ रहा है आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, गुड लक।